त्वचा रोग हैं और इस त्वचा रोगों के लिए प्राथमिक उपचार में वैक्सीन करवा लीजिए। तो वैक्सीन के बाद गाय माताओं को ये बीमारी होती नहीं है, और होती है तो बहुत ज्यादा नहीं होती, कंट्रोल कर सकते ऐसी होती है। दूसरा, प्राथमिक उपचार में जहां पर भी आपकी गाय माताएं बंधी हैं वहां पर गोबर के कंडे पर नीम के पत्ते डाल करके धुआं कर दीजिए, तो उस कड़वे धुएं से गाय माता जी को डांस मक्खियां नहीं काटेंगे तो वो सुरक्षित रहेगी। तीसरा, उनको एक खुराक देनी है। खुराक में 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम शुद्ध घी या फिर तेल, 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम जौ का दलिया, इन सबको मिलाकर के एक लड्डू बनाना। ये एक दिन की खुराक ऐसी 15 दिन तक गाय माता को देनी है, जिससे गाय माता जी को ये बीमारी होंगी नहीं, और हुई है तो भी इससे रिकवर होंगे, उनके अंदर से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। अगर किसी गाय माता को लंपी हो गया है तो उनको जैसे क्वारंटाइन किया जाए, उनके खाने पीने के बर्तन अलग रखे जाए, और त्वचा पर लगाने के लिए 50 लीटर पानी में 200-250 ग्राम फिटकरी डालकर के गाय माता को नहला दीजिए या उस पानी से स्प्रे कर दीजिए। बाद में 2 लीटर गौमूत्र में 2 से 3 स्पर्श हरे नीम के पत्ते और साथ ही हजारी, गेंदा जिसको मैरीगोल्ड कहते हैं, उसके फूलों को कूट करके उकाल ले। उकालने के बाद, उबालने के बाद उसमें हल्दी मिला दें और उसको छान करके स्प्रे में बोतल में भर के गाय माता के जहां जहां पर फोड़े फुंसिया हुई वहां पर स्प्रे कर दें। सावधानी इतनी रखनी है कि फोड़े फूटने के बाद उस पर पानी बिल्कुल नहीं लगे, नहीं तो कीड़े जीव पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और उससे गाय माता को अधिक तकलीफ होती है। तो ऐसी स्थिति में गाय माता को धूप में तो लगनी चाहिए पर पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। ये आप लंपी के लिए गाय माता के लिए ध्यान रखें। और कुछ ये भ्रांति है कि लंपी की गाय माता की सेवा करने से हमें ये त्वचा रोग होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप निसंकोच और निसंदेह अपने गाय माता की सेवा करें, ये मौका भगवती हमें दिए रही है और ये परीक्षा का दौर है। इस परीक्षा से उत्तीर्ण होने वालों को निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा। सतत 24 कलाक समाचार जोवा माटे डाउनलोड करो ईटीवी भारत।